हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वाईफाई कनेक्ट प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वाईफाई जो है कभी कभी क्या होता है, वाईफाई हमारा कनेक्ट नहीं होता है। तो वही हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं कि किस कारण से जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर से स्लाइड करके वाईफाई को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने वाईफाई ओपन किया, इस पर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है और ये हमारा वाईफाई इधर खुल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्टिंग तो कर रहा है। यहाँ पे ये जो वाईफाई है इससे मैंने पहले भी कनेक्ट किया था, पर ये कनेक्टिंग तो कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है यही हम देखने वाले हैं। देख रहे हैं बार बार ये कनेक्टिंग हो रहा है लेकिन हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसका एक ही कारण है, जो ये वाईफाई है जो मैं इससे कनेक्ट करता हूँ इसका जो पासवर्ड है वो अभी चेंज हो गया है, जिसके कारण से यहाँ पे हमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है उसे हम कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सोल्यूशन है। ये जो भी वाईफाई है जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं उसका आपको पासवर्ड पूछना है, उसका जो पासवर्ड चेंज हो गया है उसका आपको पासवर्ड पता करना है और उसके बाद आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस पे इसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जो ये आई का जो बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में रिमूव दिस नेटवर्क का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे बता भी दिया है कि रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड के कारण ही ऐसा जो है प्रॉब्लम आता है वाईफाई का। तो यहाँ पे हमें रिमूव पे क्लिक करना है, रिमूव दिस नेटवर्क, और उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब इस पे हम वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे वापस से हमें पासवर्ड मांगेगा तो हम यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद नीचे ऊपर में ज्वाइन दिस नेटवर्क पे क्लिक कर देते हैं और अब ये कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ऊपर में ये कनेक्टेड हो गया अब ये, और इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। तो यही प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है।